ग्राम चने की दाल ली है और इसे आधा घंटा पानी में हमने भिगो दिया। 1 टेबल स्पून राइस लिए हैं और इन्हें भी हमने भिगो दिया है। ये 1 kg हमने चिकन लिया है हड्डियों के साथ ही, लहसुन का 1 बंच लिया है हमने, प्याज लिए 1 अदर और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। इसे 12 साबुत मिर्चें लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने सौंफ लिए जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, तेज़पत्ते के छोटे छोटे से 2 टुकड़े लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग है, 20 से 25 काली मिर्चें हैं और मोटा कूटा हुआ हमने साबित धनिया लिया, इसे कूट लिया मोटा मोटा 1 टेबल स्पून और नमक और चिकन पाउडर। ये खास रेसिपी है, इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको एक अलग जायका महसूस होगा कबाब। ये तमाम मसाले इसमें सब डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर धीमी आंच पे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे हम। ये गोश्त माशाल्लाह से गल गया, अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और इसमें दाल शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चावल लिया जो हम इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे ढककर हम गलने तक पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से दाल गल चुकी है हमारी, करना शुरू करेंगे और हमारा चूल्हा जल रहा है, इसका पानी भी हम घोटने के साथ साथ जो है ना खुशक करेंगे। ये हमने घोट लिया, अब इसे हम ठंडा करेंगे। ये तमाम गोश्त निकाल लिया, देखें कितना अच्छा गल गया ये, अब हम इसे श्रेड कर लेंगे। ये श्रेड करी हुई चिकन है, अब हम इसमें आधी शामिल करेंगे। अब हम इसे घोट रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लिया था आधा गोश्त डाल के, अब हम इसमें आधा ये डालेंगे। 1.5 प्याज लिए हमने, इसे चॉप कर लिया बारीक, हरा धनिया है, पुदीना, हरी मिर्च है, ये तमाम चीज़ इसमें डाल के शामिल करें, मिक्स करेंगे। अब इसमें ये एक शामिल करेंगे हम, ये भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें सारी टिक्की हम बना रहे हैं, इसी तरह बना रखेंगे हम इसे।